अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? आज मैं मौजूद हूँ यहाँ पे आपके साथ एक गाड़ी का रिव्यू करता हूँ। और ये आप मेरे पीछे गाड़ी देख रहे हैं, ये गाड़ी नहीं है, ये बिल्कुल समझ लें किस्म का एक अपार्टमेंट बना हुआ है और बहुत लेटेस्ट जो उसके अंदर सहूलियात हैं। तो चलिए मेरे साथ आपको अंदर का विज़िट कराता हूँ। ये देखें ये कितनी खूबसूरत बनी हुई है, और ये इसके साथ मतलब इसको ट्रैवल भी आप कर सकते हैं। और ये जो आप हिस्सा इसका देख रहे हैं यहाँ से, ये बाहर मतलब निकाला हुआ है। जब आपने ट्रैवल करना है तो इसको बंद कर देते हैं, और जब आप इसको कहीं पे स्टे करते हैं तो इसको आप बाहर निकाल लें, इससे आपकी स्पेस बढ़ जाती है। और ये मुकम्मल अंदर से आप इसका देखें, सेम लग्जरी गाड़ियों की तरह इसका पूरा वो बना हुआ है, वीआईपी होटल की तरह। और इसमें ये पानी का सिस्टम है, यहाँ से ये टॉयलेट है, बाहर से भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और अंदर से भी। तो यहाँ पे बाकी और भी चीज़ें हैं, ये अब दिखाते हैं हम जी। प्लीज़ ओपन द डोर। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, हमें बताएं कि इसके अंदर क्या क्या है। सब कुछ है, चलें। हाँ जी, दिखाएं ये क्या चीज़ है। हाँ जी, किचन। और क्या है इसमें, दिखाएं खोल के। सही, ठीक है। और ये इसका बटन का फंक्शन बना हुआ सब ये चीज़ें, मतलब यहाँ से आप ये लाइट्स ऑफ कर सकते हैं, ऑन कर देते हैं, और सब इस पर इन्होंने चीज़ें बनाई हुई, इसकी हेल्थ गुड, बैटरी, हर एक चीज़। और ये क्या है? अच्छा जी, ये माइक्रोवेव ओवन है इसमें, ज़बरदस्त, ठीक है। और ये जी यहाँ पे कुकिंग रेंज है विद माइक्रोवेव ओवन बना हुआ है। हाँ जी, सही। और ये एक किस्म का होता है कि यहाँ पे आप कटिंग भी कर सकते हैं, इसके ऊपर कटिंग बोर्ड एज यूज़ हो जाता है, और उसके बाद आप यहाँ पे इसमें डिश वॉश भी कर सकते हैं। सही, ठीक है। और ये देखें कितनी प्यारी छोटी सी एक विंडो लगी हुई यहाँ पे, इसे आप ओपन और बंद भी कर सकते हैं इसे, ठीक है। चलें, ठीक है, ठीक है। ये नीचे भी कैबिनेट्स बने हुए हैं। हाँ, ये कैबिनेट्स बने हुए हैं, मतलब ऑल स्पेस दी हुई है। ये ड्रॉज बनाए हुए हैं, इसमें आप जरूर की चीज़ें रख सकते हैं। ये फ्रिज है, हाँ जी, ये डीप फ्रीज बना हुआ है। ये डीप फ्रीज देखे माशाल्लाह, अच्छे बड़े साइज का है, कुर्बानी का गोश्त आ सकता है इसमें, कुर्बानी का गोश्त भी। और ये इसमें नीचे पानी बना हुआ है, और पानी भी ठंडा करके पीते हैं। और ये ऊपर भी देखें कि इतना इसमें कूलिंग का मज़ेदार सिस्टम है ना, कि बाहर से जब इंसान आता है तो एकदम ठंडा सा फील होता है। ये मेरी टी है, उधर रख दे। हाँ जी, रख देना चाहे मैं पीता हूँ अभी। ये डाइनिंग सिस्टम बना हुआ है, और ये भी सोफ़ा सिस्टम है। और ये विंडो, ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये वही पोर्शन है जो मैंने बाहर से दिखाया था। जब आपने गाड़ी ट्रैवल करनी है तो ये मूव होके यहाँ तक आगे आ जाता है थोड़ा सा, मतलब ये डाइनिंग भी इधर थोड़ा सा अंदर आ जाएगा। ड्रॉज बनाए हुए, दोनों तरफ ड्रा बने हुए हैं। और ये टेबल है, ये आप मतलब ट्रैवल क्रैम यूज़ कर सकते हैं इजीली इसको। और ये क्या चीज़ है इसमें, फ्रिज के साथ? अच्छा, ये कैबिनेट बने हुए हैं, स्टोरेज, आप अपने लगेज वगैरह इसमें रख सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैंने अपना बैग रखा हुआ है यहाँ पे। तो उसके बाद ये क्या है, वाओ, कितना प्यारा, छोटी सी विंडो भी दी हुई, कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे। ये बच्चों के लिए है कि आप बच्चे यहाँ पे जो है ना, इसको बच्चों को यहाँ पे लिटा सकते हैं। देखिए जी, यूएसबी चार्जिंग दी हुई है, ज्यादा पहले अपने मोबाइल भी चार्जिंग लगा लें, ऊपर त्रिशू दिया हुआ है, साथ में ये सीढ़ी है, छोटी सी लाइट है, ऊपर बैठना है। हाँ, ये छोटे बच्चे के लिए है। हाँ जी, सीढ़ी के लिए। और ये देखिए यहाँ पे, इन्होंने यहाँ पे भी सॉकेट दी हुई है, सब कुछ मतलब साथ में है, मुझे चार्जिंग के लिए। और ये भी है जी बच्चों के लिए, यहाँ पे भी देखें कितनी स्पेस है यहाँ पे। और ये भी विंडो दी, हाँ विंडो दी हुई है, और ये डबल बना हुआ है। इसी के साथ क्या है, अच्छा जी वॉशरूम है, और वॉशरूम भी अच्छा खासा बड़ा है, ये देखें इसमें मैंने बनाया हुआ है। और यहाँ पे ये जी मैं आपको नजर आया मिरर, मैं आगे सोच रहा था कि इसमें मिरर कहाँ पे है, इसमें मिरर, अच्छा वाओ भी, इसमें यहाँ पे भी स्टोरेज दी हुई इन्होंने। और ये भी ठंडा गर्म पानी का सिस्टम दोनों है, इसके नीचे भी कैबिनेट बने हुए हैं। और ये यहाँ पे इन्होंने फ्लैश सिस्टम दिया हुआ है,
क्या बात है भाई, बाथ टब भी लगा हुआ है शावर वाला, जबरदस्त। हाँ ऊपर विंडो भी दी हुई है और ये ने एग्जॉस्ट फैन भी दिया हुआ है इसको यूज़ करने के लिए। यहाँ से फैन ऑन दबा देते हैं उधर से, हाँ ऑन हो गया ये, ठीक है। और ये छोटे से डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा एड्रेस किया है। ये जी ये आप पूरा व्यू देखें इसके अंदर, ऐसे पूरा आ नहीं सकते जितना भी मैं क्लोज करूँगा, लेकिन बहुत अच्छा मतलब इन्होंने बनाया है। ठीक है चलें बंद कर दें इसको। बेडरूम और क्या, हाँ बेडरूम तो रह गया है, ये भी एक ड्रॉ बना हुआ है। अच्छा ये भी इन्होंने कुछ बनाया हुआ है यहाँ पे अभी तो इसमें इसमें और भी चीज़ें हैं, आप रेडियो भी कर सकते हैं, म्यूज़िक वगैरह भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, USB लगा के आप। ये USB का और ये HDMI पोर्ट भी दी हुई है यहाँ पे लगाने के लिए। और ये जो चीज़ है ना ये LED के लिए दिया हुआ है, शायद अंदर की साइड पे लगी ना, हाँ इधर LED के लिए सिस्टम दिया हुआ है। यहाँ से केबल लगा दें आप, यहाँ पे हैंग कर दें, उसकी चीज़ें रखी हुई हैं। और ये डेकोरेशन है, आइस असली नहीं है, हाँ डेकोरेशन की रखी हुई है। अच्छा दोनों गेट एक जैसे हैं, हाँ जी दिखाएँ मैं, हाँ जी। और ये देखिए ये बड़ी प्यारी छोटी सी इन्होंने कैबिनेट दी हुई है, वो ये विंडो दी हुई है। और ये देखें जी डबल बेड कंप्लीट साइज विद कैबिनेट, हाँ जी ये ऊपर भी इन्होंने बनाए हुए हैं इस तरह के कि आप इसके अंदर जो है ना इसमें यूज़ कर सकते हैं, दूसरी साइड पे भी, दोनों साइड पे। और वहाँ उधर से आओ आप, तो वो जो विंडो है ना ये देखें डबल डोर ओपन होता है, हाँ जी ये विंडो होता है ओपन, और ये भी कैबिनेट बने हुए हैं, हाँ ये इसमें कपड़े हैंग कर सकते हैं इसके अंदर, और कपड़े हैंग करने का हैंगर, और ये नीचे काफी गहरा है, ये डबल बेड जो है ये पूरा उन्होंने तो बनाया है। और ये बेड ठीक है डबल बेड, कैबिनेट्स काफ़ी ज़्यादा स्टोरी दी भी उन्होंने उसको यूज़ को, एक एक मतलब जो उन्होंने हिस्सा है ना गाड़ी का वो यूज़ किया हुआ। और ये बाहर से वही जो आपको स्लोप नज़र आ रही है, शायद इसमें वीडियो में नज़र आ रही हो, स्लोप है। और इधर इन्होंने इसकी लाइट सिस्टम भी दिया हुआ है यहाँ पे, ये बैटरी वगैरह है चार्ज सॉकेट से, हाँ ये इसलिए डबल दिया हुआ है कि जो दूसरा आदमी ना वहाँ से वो उठे और उधर से बाहर निकल सकता है, और इधर से उतर नीचे उतर सकता है इसके लिए। हाँ लाइट्स हैं और लाइट्स के बटन इधर नहीं, लाइट्स के बटन जो है ना यहाँ से इन्होंने यहाँ पे सॉकेट से ही हुए, लाइट के बटन इधर से ही होंगे सबके के जी ये था हमारा आज का ब्लॉग, और आप समझ लें कि गाड़ी का रिव्यू दिया है, और ये बहुत प्यारी गाड़ी है। मैं कहता ऐसी एक गाड़ी हो तो इंसान कहीं भी जाके होटल लेने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में नहीं तो नहीं ये जा सकती ज़्यादा, लेकिन एक नॉर्मल किसी एरियाज में आप जाएँ तो वहाँ पर जाके तो आपको जो है ना वो बहुत अच्छी लगेगी ये। तो चाय, हाँ चाय ठंडी हो रही है तो चाय भी पीते हैं। अच्छा जी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसी मज़ीद और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे किसी और अच्छे ब्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।